अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां डिको पार्क जो हिकिड़ो ॿियो प्रोजेक्ट खणी आई आहियां। हीअ आइसक्रीम जो दॿो आहे। आमतौर ते अहिड़ा बॉक्सिस असांजे घर में ईंदा आहिनि। आज फिर मैं डिको पार्क का एक प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। इस तरह के डब्बे आइसक्रीम में अक्सर हमारे घरों में आ जाते। इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ और इसमें मुझे स्टोर करनी है अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें। ठीक है, तो हीअ मां हिकिड़ो स्टोरेज बॉक्स ठाहियां थी। असां चाहियूं त हिन खे ईअं ई सिंपल हिन में दॿे में शयूं विझी रखी था सघूं, पर जेकॾहिं हिकिड़ो ख़ूबसूरत सुहिणो सजायल दॿो हूंदो त हुनजी ॻाल्हि ई ॿी आहे। सो मां हीअ वाइट एक्रेलिक पेंट सां हिन खे मां हिकिड़ो कोट पेंट जो करे चुकी आहियां। एक कोट में पेंट का ॿाहिरि की तरफ़ इसको कर चुकी हूं और ढकन को जो है मैंने वो डबल कोट किया है, क्योंकि इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ था उसको मैंने बहुत उतारने की कोशिश की, वो नहीं उतरा। फिर मैंने इसको जो है डबल कोट कर दिया, दो दफ़ा पेंट कर दिया, तो ये काफ़ी इसमें छुप गया है। तो हिन वाइट एक्रेलिक पेंट सां मां हिन खे ॿ कोट करे चुकी आहियां ढक खे, ऐं हिकिड़ो सिंगल कोट कयो आहे मूं हिन दॿे खे चौधारी। तव्हां ॾिसी सघो था हिते ही डेट्स वग़ैरह अंदरि लिखियल आहिनि, जेके ॿाहिरां नज़र कोन थियूं अचनि, घणे भाङे पेंट में लिखी वियूं आहिनि। सो असां हिन खे कंदासीं डिकोपाज। हीअ वाइट जर्मन ग्लू आहे, वाइट ग्लू हमेशा मां यूज़ कयां थी पंहिंजे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे क्राफ्ट्स में। सो हीअ ग्लू असांखे खपंदी, ऐं जेतिरी ग्लू खणंदासीं असां ओतिरो ई पाणी बि खणंदासीं। उन खां अलावा असांखे खपंदो हीअ प्रिंटेड नैपकिन। हीअ मां पहिरें पंहिंजे हिकिड़े प्रोजेक्ट में यूज़ करे चुकी आहियां, ऐं उनजो बचियल हिसो मां पंहिंजे हिन ॿिए प्रोजेक्ट में इस्तेमालु थी कयां। हाणे ॾिसो हीअ पहिरियों इस्तेमालु थियल आहे, पर फ़र्क़ु आहे जो पहिरियों जेके आहिनि मां नंढा पीसिस यूज़ कया, हाणे मां हिकिड़ो वॾो फुल पीस यूज़ कंदसि। तो इस चीज़ का ख़्यालु रखना है कि जब हम छोटे पीसिस चिपकाते हैं कहीं पे तो उसका क्या तरीक़ा होता है, और जब हम बड़े पीसिस कहीं पे लगाएंगे तो उसका क्या तरीक़ा होगा। सबसे पहले तो इसको मैं नाप लेती हूँ और इसके नाप से थोड़ा सा बढ़ा के मैं इसको फाड़ लूँगी। यहाँ पर ये हमेशा पानी से एक कट लगा के पानी से निशान लगाएंगे। ये पतला सा ब्रश है मेरे पास, इसको मैं भिगो देती हूँ और एक पानी की एक लाइन से इस पर बनाएंगे। इनके हमेशा हथ से फाड़े यूज़ करण घुर्जे, ताकि इसके किनारे जो हों वो रफ़ हो। इसको हमेशा हाथ से फाड़ना चाहिए, जी जो इन जो किनारा है वह बिल्कुल रफ़ होजन, जैसे रफ़ किनारा हों तो वह बेहतर नमूने से चिंबड़ी पौंदा। ये देखें, ये मैंने एक पीस काट लिया है, जो बड़ा हुआ है वो हम इस तरफ नीचे की तरफ मोड़ देंगे, या चाहें तो इस तरफ इस तरह लगा सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, सो ही मूं पीस कटो है जी असा थोड़ो इन पासे मोड़े भी सकूं। तो सभी का पैर उन हरण के लिए, अच्छा ही डबल साइडेड है। ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसके दो साइड होते हैं, दो तीन लेयर्स होते हैं, सॉरी। ठीक है, इन जहा ब टे तह हूँ तो असा इन जहाँ एक्स्ट्रा तह वो कड़ी छींदासी, जो मथ्यों मथ्यों डिजाइन वो तह आ सिर्फ असा उ यूज़ कंदासी। सो सभी का पैर ही किनारो भी जो फाइन फिनिशिंग आने भी मां फाड़े थोड़ो रफ कंदस, क्योंकि जब ये रफ होता है ना, इसके जब ये किनारे जो होते हैं अनइवन होते हैं तो ये अच्छी तरह से चिपक जाता है। दूसरी बात ये कि आप लोग इस नैपकिन के अलावा जो पेपर आता है गिफ्ट रैप करने के लिए उससे भी काम कर सकते हैं, लेकिन नैपकिन जो है वो इतना नाजुक इतना बारीक होता है कि वो पेंट और ग्लू के साथ बिल्कुल ही स्मूथ होके चिपक जाता है। सो वे कें पेपर सां भी डिकोपाज करे तो सकजे, पर ही नैपकिन जो जो पन्नो आहे इहो सॉफ्ट हुंदो आहे, सन्हड़ो हुंदो आहे, त ही चंगी तरह सां ग्लू सां बिल्कुल इएं चिंबड़ी वेंदो आहे जीअं पेंटिंग थियल हुजे। सो असां सभिनी खां पहिरियों त हिन तां ही एक्स्ट्रा जेको लेयर आहे उनखे अलॻि कंदासीं। एक्स्ट्रा लेयर को खोलते हम अलॻि करते हैं। ठीकु आहे, ही बेकार आहे असांजे लाइ, हिन महिल असां इस्तेमालु कंदासीं ही। हाणे सभिनी खां पहिरियों ग्लू खणूं था, जेतिरी ग्लू ओतिरो ई पाणी, जितनी हम मिक़दार ग्लू की लेंगे उतना ही हम इसमें पानी यूज़ करेंगे। इसके अंदर ये डबल ढक्कन होता है, इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसको टाइट बंद करके रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी, जल्दी से नहीं सूखेगी। ठीक है, सो ग्लू है मैं मां विधि है, ग्लू आप देख सकते हैं मैं इसमें डाल चुकी हूँ। फिर से कह रही हूँ कि
जितना हम पानी ले रहे हैं उतना ग्लू इक्वल दोनों हम मिलाएंगे। फिर से ये बात मैं दोहरा रही हूँ कि बड़े पीस जो हैं उनको लगाने में और छोटे पीसेस लगाने में डिकोपाज में बहुत फ़र्क होता है। बड़े पीसेस के लिए सबसे पहले तो हम इसको करेंगे मिक्स, ताकि हमारा ये अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। इसको ये ग्लू मिक्स थी भाई, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस पर ग्लू लगाना एक साइड पे, ठीक है। हिकड़े पास से असा ग्लू हणूँ था, जो नंढा पीसिस हुआ उन ब्रश की हेल्प से खड़ी कर चिमड़ाया हुआ। छोटे जो पीसिस जब इन्हें लगाए थे ना, तो इसी ब्रश के साथ उठा के गीले ब्रश के साथ, ग्लू वाले ब्रश के साथ लगाए थे। लेकिन बड़े पीसिस में ऐसा नहीं होगा। बड़े पीसिस में आप ग्लू लगा लें और फिर पेपर को रखें और ड्राई ब्रश की हेल्प से या किसी फोम के पीस से इसको पहले आप अच्छी तरह से इस तरह चिपका लें, ताकि इसमें जो है वो सिलवटें ना आए। कोशिश करें जितना स्मूथ हो सकता है थोड़ा सा ऐसा चिपकाएं, फिर बाकी पे ग्लू लगा के उसको चिपकाएंगे, ठीक है। उनके बावजूद मुझे थोड़ा घना है में घुंज अची हुआ है, थोड़ी बहुत सिलवटें इसमें आ गई हैं, तो ये बहुत एहतियात करनी है। इसी तरह से मैं ये ग्लू का ब्रश मेरे पास अलग है और जो ऊपर से मैं इसको चिपका रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, वो ब्रश मेरे पास अलग है। तो ये ख्याल रखना है कि इसमें ज़्यादा सिलवटें नहीं आनी चाहिए। बड़े पीस को कभी भी गीले ब्रश के साथ आप प्रेस नहीं करें। ये हो गया। अब जितना हिस्सा इसका रहता है उसके लिए जो है मैं यहाँ पे ग्लू लगा लूँगी और बाकी पीस भी जो है मैं चिपका लूँगी। उससे पहले हम इसको जो ये एक्स्ट्रा जो बढ़ा हुआ पीस है इसको हम लगा लेते हैं। इसको बेशक आप गीले ब्रश के साथ ही चिपका लें, ठीक है। सो ता है ना कि ये आले ब्रश से हेठा हणी था सगो को मसलो ना है। बाकी जो इन जो ये रहजी वो पार्ट इन बो पीस पेपर जो फाड़ीदम इन उन लगे वम। हाँ इन मूँ हणी छो, इसको मैंने चारों तरफ से लगा दिया है और जो बढ़ा हुआ हिस्सा था वो मैंने नीचे इसके चिपका दिया है। इसको फिलहाल हम रखते हैं ड्राई होने के लिए। और अब जो है एक पीस हम इसके ढक्कन के बीच में भी लगाएंगे। इसके नाप का हम एक पीस काट लेते हैं और फिर उसको इसके अंदर हम अच्छी तरह से चिपका देंगे। सो है ना ढक के विच जो माप जो एकड़ो पीस कटूं था इन उनसा चिमड़ाए छींदी। सेम तरीके से ग्लू हणी पे ग्लू जो लेयर में हणा थी तेजे सामू ग्लू जो एकड़ो सन्नो लेयर हणी इन मथा एकड़ो यो पेपर अस चिमड़ाई। हाँ इन पेपर की एकड़ी सुठी गाल यह है, दिसो ये पूरा पीस मूट न हुयो, स्पेस बची पई आ, तो सुठी गाल यह है तो ये एकड़ी पट्टी मूँ सनी कटी आ बचल जका मां इन ते लगाए वेंदस, तो ये इन से लगन का खबर भी न पौंदी तो इन जो हिस्सो हुयो या न हुयो, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि जब ये कम पड़ रहा है मेरे पास तो लगाने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि ये इसमें अलग से लगा हुआ है या इसी का हिस्सा था। ये इस पेपर की जो है खूबी है। यहाँ से फिर बीच में से थोड़ी सी जगह खाली है तो मेरे पास ये बचा हुआ है, ये अभी निकला था, तो इसी को फाड़ के मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ, ठीक है। थोड़ो पीस बचो मूँ त मूँ सोचो त इन खाली स्पेस में जिते ही जाए बचल आखे ही हणी छा। तो आप देखेंगे पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या इस पे अलग से कोई पैच लगा हुआ है, ठीक है। अड़ी तरह से ही टे सन्ड़ा नंढड़ा पन्न हैं, एकड़े हंध बे हंध जाए खाली आ, छोटे से ये तीन पत्ते हैं, दूसरी जगह जहाँ पे खाली है वहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको चिपका रही हूँ। आप ये देखें मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मेरे काम में भी सिलवटें आ रही हैं, तो ये ज़रा बहुत एहतियात से करने का काम है, ठीक है। अब ये मैंने इसको लगा दिया है, अब हम इसको भी रखेंगे सूखने के लिए और इस किनारे को करेंगे हम पेंट। देखिए जने ही ऐसा ढिसो ढक इन ते डींदा से तो ये किनारो तो नज़र इंदो हुंदो, ठीक है। सो इन सजे किनारे के मां पिंक कलर से पेंट करे वेंदम। एक्रिलिक पेंट्स ही आहिन मूं वटि,
जेके हमेशा मां यूज़ कंदी आहियां हिननि में मां वाइट ऐं रेड मिलाए थोरो पिंक ठाहींदमि ऐं पोइ उन सां मां हिन खे किनारे खे कलर करे वेंदसि। हाणे हीअ पाणी आहे मूं वटि ऐं हिकिड़ो नरम कपिड़ो आहे, इहे देखे कि वाइट कितना है और रेड कितना है। ब्रश को मैं सिर्फ गीला कर रही हूँ, इसमें मैं पानी मिक्स नहीं कर रही हूँ। इसको मैं मिला के पिंक का एक शेड बना लूँगी। इसमें वाइट मुझे और डालना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा डार्क कलर का हो रहा है पिंक, इसलिए इसमें मैं वाइट मिला रही हूँ प्रॉपर शेड बनाने के लिए जो मुझे चाहिए। हाँ ही पिंक जो है प्रॉपर शेड मूँ ठाया हुआ जो मुझे खपे पे, इसके इतने से हिस्से को मैं पेंट करूँगी। ठीक है, ही बाहरों हिस्सों में जो पेंट करना ही मथ्यों न, तो इसको चारों तरफ से मैं पेंट कर लेती हूँ। अंदर से नहीं करेंगे क्योंकि ये हिस्सा बंद हो जाएगा, सिर्फ ये बाहर का जो हिस्सा है इसको मैं आराम से पेंट कर लेती हूँ। हाँ ऐसो तो इन ढक के भी मैं पेंट करे वरतो आ, ढक्कन का जो किनारा है इसको भी मैंने पेंट कर लिया। अंदर की तरफ से नहीं करना, सिर्फ बाहर की तरफ से जो, और इसको मैं पहले पेंट करके सूखने के लिए रख चुकी थी, लेकिन इसमें अभी मुझे दूसरा कोट करना पड़ेगा क्योंकि ये अंदर से जो है झांक रहा है। इनके मां एकड़ो कोट करे चुकी आया, एकड़ो दफो मां इनके पेंट करे वई आ, हाणे इन पिंक जे मथा वरी मां बीहर एकड़ो बियो कोट करे वेंदस। हाणे इन बॉक्स के ए ढक के इन्ही के मुँह पेंट करे छड्या। इनको हम सूखने के लिए रखते हैं ताकि ये हमारा जो पेपर है वो भी अच्छी तरह से चिपक जाए और ये हमारा जो पेंट है वो भी सूख जाए। तब तक जो है मैं अपनी इस प्याली को और ब्रश को धो लेती हूँ। यहाँ पे मेरा ग्लू और ब्रश रखा हुआ है और ये पूरा सेट है मेरे पास कि जितने भी मुझे चाहिए तो मैं उस हिसाब से पेंट मिक्स कर सकती हूँ। अभी मैं इसको धो लेती हूँ। हाँ मां पांजी शयूं जेके हैं पेंट थियल उन्हनि खे मां रखी आई आहियां पखो हलाए ॿिए हंधि, पंखा चला के रखी आई हूँ ताकि वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये चार हैं मेरे पास ढक्कन बोतलों के, डिस्पोजेबल बॉटल्स के ढक्कन हैं ये, इनके मैं बनाऊंगी पाए। छोटे से हम इस बॉक्स के नीचे पाए लगाएंगे तो ये इक्वल होने चाहिए जो है हाइट में, लेकिन ये ज़रा सा बड़ा है तो इसको पहले मैं ट्रिम कर लेती हूँ। इनके थोड़ो हल्को मां कटे थी वना, ये इतना सा ही बड़ा था, ऊँचा था, तो ये बैलेंस होने चाहिए। पानी को मैं हटा रही हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये चार ही एक जितना होजन खपन। हाँ इन असा इन्हनि खे कपड़े सां कवर कंदासीं, हिननि खे असां पेंट नथा कयूं। ये पिंक कलर का मैंने कपड़ा लिया है क्योंकि मेरा पेंट भी पिंक है, मेरा पेपर भी पिंक है, तो इसमें से मैं चार पिंक कलर के सर्कल्स काट लूँगी ताकि इनको मैं कवर कर सकूँ। ठीक है, सो हिन मां असां कपड़े मां चार कटूं था गोल, चार सर्किल कटींदासीं, चइनी खे गॾु था रखूं, चारों को एक साथ रख लेती हूँ मैं। और मैं इसमें से एक कोई अच्छी जो है फिनिशिंग साथ ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, भले थोड़ा घना रफ किनारन सा हुजन तदे भी हली वेंदा, कोई मसलो न है, खैर आ। ठीक है, तो ये चार जेके आहिनि मूं वटि सर्किल्स अची विया। हाणे जेको आहे हिननि खे असां इन्हनि बुझिन ते इन ढकणन ते चिमड़ाईंदासीं, हिन खे रखूं था साइड ते। आप ये देखें चारों को, पहले तो मैं यहाँ खोल के रख रही हूँ। ये ग्लू क्राफ्ट ग्लू मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इसके साथ। अच्छा, पूरे पे ग्लू नहीं लगाना, ये ज़रूर आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ढक्कन के सेंटर में मैं ग्लू लगा रही हूँ, नीचे सिर्फ, ऊपर नहीं, और इसको मैं पूरे बीच में रख के चिपका दूंगी। सबके साथ मुझे यही करना है। थोड़ो ध्यान से ॾिसजो, पासन खां हणंदासीं छो त जेकॾहिं हिननि जे पासन ते ग्लू हणंदासीं न त उहा ग्लू कपिड़े मां नज़र अची वेंदी। इन लाइ सिर्फ़ हेठां तरो ते ई हेठि हलियो वेंदो। ठीकु आहे, ये हाँ इन चिमड़ी वा उन अस इन कट लगाइंदी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इन अंदर की तरफ अंदर ग्लू हणी इन सजे कपड़े के इनमें वेढ़े वेंदी फाइन फिनिशिंग के साथ। पहले तो इसको कट लगाएं, फिर जो है ये ग्लू अंदर की तरफ लगाएंगे, बाहर नहीं लगाएंगे, और ये सारा कपड़ा जो है इसको हमें अंदर की तरफ मोड़ लेना है। ॾिसो सभिनी खे मूं कट हणी छॾियो आहे, पर इहो ॾिसो त कट हेसि ताईं न हयो आहे, आख़िर तक मैंने कट नहीं लगाया, सिर्फ़ थोड़े थोड़े से हिस्से में लगाया है। ठीक है, ताकि ये देखिए ये हिस्सा जितना बाहर आएगा उसको हम कट नहीं लगाएंगे, ये साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब मैं इसको अंदर की तरफ लगा रही हूँ ग्लू, किनारों पे अंदर ग्लू लगाएंगे और ये सारा जो कपड़ा है उसको बारी बारी पीसेस को अंदर करके हम चिपकाते जाएंगे ताकि पूरा जो ढक्कन है वो कवर हो जाए
और जहाँ से आप देखें कि ये चिपक नहीं रहा तो थोड़ी सी ग्लू और लगा दें, ठीक है। जैक ही तांके लगे तो किथा न पे चिंबड़े तो इनके चंगी तरह से अंदरा थोड़ी ग्लू भी हणी सको था। इस तरह करके ये इसकी शक्ल आएगी, साइड से जो है ग्लू नहीं आएगी। इसो इन सभी के मुँह कपड़ो वेढ़े छो। अच्छा, इस पे कपड़ा क्यों लपेटा है? इसको तो हम पेंट भी कर सकते थे, दो कोट कर लेते या तीन कर लेते तो ये इनका कलर छुप जाता। कपड़ा मैंने इसलिए लगाया है कि जब हम इनको इस तरह से डब्बे के नीचे या ऐसे चिपकाएंगे तो कपड़ा उनको चिपकने में मदद देगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर असा खाली प्लास्टिक जो है ढक्कन चिबड़ाई हुआ तो ये कें भी मेल खुली भी वन हाँ, तेजे करे कपड़ो हण जरूरी है। इन कपड़े के कवर करने के लिए कपड़े में जो थोड़ी बहुत जो सिलवटें नज़र आ रही हैं या ये जो टक्स नज़र आ रहे हैं इनको छुपाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ये पिंक कलर की डोरी सुतली है मेरे पास। आप कोई भी डोरी, रिबिन, कोई भी ऐसी चीज़ जो इसके ऊपर ग्लू से चिपक जाए आप लगा सकते हैं, ठीक है। सो मां हणाती है सुतली तह का बेड़ी मैचिंग डोरी का रिबिन हुजे, सुतली हुजे, कुछ भी अड़ो हुजे तो वो हणी था सको। सो ईअं मां हिननि ते वेढ़े वेंदमि, ॿ ॿ टे टे वकड़ ॾेई थोरो घणो जीअं हे कवर थी वञे। थोरा बहुत ये कवर हो जाएगा तो इसके जो झोल है ये छुप जाएंगे। ॾिसो ही चारई कवर थी विया ऐं हाणे हिन जे जॾहिं कपिड़े ते असां ग्लू हणंदासीं ऐं पोइ असां हिन दॿे सां चिमड़ाईंदासीं त हे फिट थी वेंदा। साइड वारो लुक तव्हां हिननि जो ॾिसी सघो था। सो हिननि खे असां रखूं था सेट थियण लाइ ऐं ही असांजो पेंट बि सुकी वियो आहे, असांजी हिन जी ग्लू बि सुकी वई आहे। हाणे असांखे हिन जे मथां पेपर के मथा ग्लू जो थोड़ो लेयर देना है। ये मुझे ग्लू हल्की सुकी वही है, में थोड़ो पानी बो एड थी क्या, ठीक है। ग्लू जो है रखा हुआ था इतनी देर से तो थोड़ा सा खुश्क हो रहा है। इसके ऊपर मैं एक थोड़ा सा पानी मिला के इनके ऊपर पेपर के ऊपर हम इसको सिक्योर करने के लिए इनके महफूज करने के लिए एकड़ो दई छींदे लेयर ग्लू जो, ठीक है। और अगर वार्निश हो तो वो सबसे बेस्ट होती है। वार्निश हुए चाहे ब्रश से करने वाली चाहे स्प्रे वाली तो वह बेस्ट होंगी वार्निश। वार्निश से जो ही वाटर प्रूफ थी वो। सो बहरहाल इन मेल मुट वार्निश तो कोने मुटी जो है ग्लू है तो मैं ग्लू इनके मथा हणी थी छा वरी इनके पखो हलए मैं सुकण के लिए रखींदस। ग्लू मैंने इसके ऊपर लगा दिए और फिर मैं पंखा चला के इसको खुश करने के लिए छोड़ दूंगी, ठीक है। सो इन सजे से मैं ग्लू हणी वा ब्रश ऐं प्यालियूं मां धोई छॾी हुई ऐं हाणे इन ई सिलसिले में असां कंदासीं थोरो सिलाई जो कमु। मैचिंग धाॻो आहे, सेम कपिड़ो आहे ऐं हीउ कुझु पॉलिएस्टर आहे। तो हम बनाएंगे ढकन के ऊपर लॻाने के लिए नॉब, ठीकु आहे। इन ढक जे मथां जेका असां ॿुझी हणंदासीं, मूं वटि कोई मैचिंग अहिड़ी शइ न आहे, कोई नॉब न आहे, त असां नॉब जेको आहे पाण ठाहे था वठूं। छोटा सा एक प्यारा सा नॉब बना लेते हम खुद। ये देखें, ये तकरीबन 2 इंच स्क्वायर है। इसको मैं काट के इसका बना लेती हूँ सर्किल। 2 इंच ही स्क्वायर कपड़े जो पीस तकरीबन मुखायो ने जो एक गोल कटियो, चाहे फ्री हैंड कटियो या तहां कुछ रखी करे तहां उन जो गोल कटियो। सुई में विझना से मैचिंग धागो, धागा डाल दिया मैंने, नॉट लगा ली। अब इसको एक तरफ से आप इस तरह से ये देखें, थोड़े से हल्के से किनारे में इसको इस तरह यूं सिलाई करना शुरू करें। कच्चा टाका जी हणंदा आहियूं, कच्चे टांके लंबे लंबे टांके इसमें लगाते जाएं पूरे चौधारी इन के असा ये टाका हणंदासे इन से एक सुनी गोल ओढ़ी ठही पौंदी जिनके असा इन ढक्कन के मथा नॉब के तौर ते इस्तेमाल कंदासे। ये देखें, इसको धागे को खींच लें और ये जो है एक प्याला सा बन जाएगा। इसमें हम डालेंगे ज़रा सी पॉलिएस्टर डाल के इसको अच्छी तरह से हम खींच लेंगे धागे को। ॾिसो इनके ये टाइट जड़े छिकींदे तो ही गोली ठही पौंदी। इसको जब हम अच्छी तरह खींच लेंगे तो ये गोली सी बन जाएगी, लेकिन फिर इसमें बहुत सारे टांके लगाने, बहुत खूब खींच के टाइट इन में टाका हणंदे छिके इनके चंगी तरह तो जी इन में खुलने की का जाए न रही, इसमें खुलने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। और अगर शेप कहीं से बिगड़ी हुई है तो आप वो भी टांकों की मदद से सही कर सकते हैं। जो इन्हें जो ऐसो था तो किथा शेप घट वधा, कपड़ो सही ना है, किथा जो शेप फिरी तो वने ही है, तो तुम उनके टाका हणी सीधो भी कर सकोता। काफ़ी हद तक उन टाकन से बैलेंस थी वो।
सो इन तरह से इनके चंगी तरह सिक्योर करे चंगी तरह टाका हणी गोली असा तैयार कंदासे जिनके असा इन जी ढकन जे नॉब जे तौर से यूज कंदासे। दिसो ये नंढड़ी खूबसूरत गोड़ी तैयार आ, पीछे से मैंने बहुत सारे टांके लगा के इसको सिक्योर कर दिया है, इलाही सारा टाका हणी मु इनके फिक्स किया। ठीक है, सो इनके भी रखूँ था साइड से, दिसूँ था असो ग्लू जो केतरो सुको आ, ग्लू जो है इनको कंप्लीट त ड्राई न थो, काफ़ी हद तक हो गया है लेकिन फिर भी अभी ये बहुत इसमें गीला है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसके ये नहीं, पहले ये ढक्कन पे लगाते हैं। ठीक है, असा ग्लू हणी इन ढक के पूरे विच ते हणंदासी ये गोड़ी, अच्छी तरह से इस पे ग्लू लगाएंगे और इसको हम इसके बीच में पूरे चिपका लेंगे। अभी इसको हम और डेकोरेट करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको छोड़ देते हैं साइड पे ताकि अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। अब हम लगाएंगे इस पे ये चारों पाए, इन्हन के मथा ऐसो ये ग्लू हणंदा से चौधारी इस तरह से, क्योंकि कपड़ा है तो ये बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा। चार मुनासिब जगहों पे आप इसके पाए चिपका दें। ठीक है, इन्हन के चंगी तरह से ग्लू हणंदा वनो, इनके राउंड शेप ते ग्लू हणी ए मुनासिब एकड़े फासले ते चारे ही इनका पावा जो चिंबड़ा है। मां जी पेरी भी चाहे तो इन कपड़े के करे ही ढे सुने नमूने चिंबड़ी वा, कपड़ा लगाया ही इसलिए है कि अच्छी तरह से चिपक जाए, वरना खाली प्लास्टिक होती तो वो इसके ऊपर जो है अच्छी तरह से फिक्स नहीं होती और किसी भी वक्त निकल सकती थी। तेजे करे जरूरी है तो इनके पेरी कपड़े से कवर कर, कपड़े जहाँ घुंज लिकायण के लिए अस इन मथा ये डोरी हई आ, हाँ अस इन कंदासे सीधो। अभी इसको सीधा कर लेते हम कंप्लीट, मैंने कहा कि खुश्क नहीं हुआ, हो जाएगा। इसको फिर मैं पंखा चला के छोड़ दूंगी, आप इसके इसका लुक देखें। ठीक है, इन जो लुक दिसो ही नंढड़ा नंढड़ा खूबसूरत पावा इन जो केडो एकड़ो सोनो पे इन के कन वधिक, इसको रख दिया साइड से। हाँ इन जे चौधारी असा अना कुछ डेकोरेट कंदासे, इसको हम फिलहाल यहाँ से नहीं उठा सकते क्योंकि ये गीला है, निकल जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर मैं कुछ और डेकोरेशन करने वाली हूँ। ये नग है मेरे पास, ये मैं इसके चारों तरफ लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाए। अच्छा, ये नग जो है इसमें वैसे ही जो है ग्लू लगी हुई होती है, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन ग्लू लगा लेती हूँ ताकि बाद में भी जो है निकलने का कोई चांस ना रहे। तो अभी भी मैं ऐसा ही कर रही हूँ, इसके राउंड में ग्लू लगा रही हूँ। ये अभी गीला हो रहा है तो इसलिए ये इधर उधर हिल रहा है, जब ये खुश्क हो जाएगा तो एक जगह फिक्स हो जाएगा। ये देखें, लेकिन ये दूर दूर है, मैं इनको बहुत करीब करके लगा दूँगी। ये इस तरह से दूर है एक दूसरे से दूर, तो ये मैं एक एक तोड़ के और यहाँ पे मैं बहुत करीब करके इनको लगा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इसको छुपा लेंगे नीचे से। जो भी थोड़ा बहुत कपड़े में जो नज़र आ रहा है कुछ झोल है, को गुंजा को टक्का, वो है नसा जो है चंगी तरह से लिकी वेंदो। इस तरह मैं इस पूरे पे अभी लगा नहीं, अभी थोड़ा सा रहता है। और ॾिसो हिन खे मूं हिन जे राउंड भी है हया आहिनि डायमंड्स, ऐं हिते भी चइनी कुंडनि ते भी चारों कोनों पे भी मैंने चार चार ये लगा दी हैं। अब ये इसको मैं अभी तक यहाँ से नहीं पकड़ रही हूँ क्योंकि ये खुल जाएगा, अभी गीला है। ये इस तरह हो गया बंद, आप बताएं कि ये कैसा लग रहा है। ठीक है, सो ही अञा ताईं थोड़ो हिन जो ग्लू आलो आहे, ऐं जेसि ताईं ही कंप्लीट सुकंदो त पोइ ज़ाहिर आहे यूज़ में ईंदो। ऐं हिन में कंहिं बि तरह जूं नंढियूं नंढियूं शयूं एतिरे क़दुर जो अहिड़ा नंढा जे स्टिकर जा पैकेट्स आहिनि हिन टाइप जो कुझु बि, या हीउ पेपर जेको मूं वटि आहे इहो मां हिन जे अंदरि स्टोर करे सघां थी काई बि शइ। ठीक आहे, त मूंखे ॿुधाइजो त हीअ तव्हांखे अॼु जी मुंहिंजी वीडियो कीअं लॻी आहे, कैसे लॻा आपको। अगरि मेरी इहा वीडियो आपको अच्छी लॻी, अगरि पसंदि आई है तो आप ज़रूरु जो है कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ठीक है, सो तव्हांखे पसंदि आयो या ना आयो इहो मां इंतज़ारु कंदमि त जीअं तव्हां मूंखे ॿुधाए सघो, तव्हांजे जवाब जो मूंखे इंतज़ारु रहंदो। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो, पंहिंजे टाइम खे सही कमनि में, सही ॻाल्हियुनि में, सही जायुनि ते यूज़ कयो, पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यारु कयो। इंशाल्लाह वरी कंहिं नई वीडियो सां कंहिं कम जी शइ सां मिलंदासीं। तेसि ताईं इजाज़त, अलाह वाहिगुरु।